अनिरुद्ध आचार्य महाराज को बिग बॉस 18 में देखकर उनके कई फॉलोअर्स नाराज हैं। बाबा जिस शो की बुराई कर चुके हैं उसमें जाने की वजह लोगों के गले नहीं उतर रही। अब बाबा ने बताया है कि वो वहां क्यों गए। आखिर बाबा अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और एक वीडियो जारी कर बिग बॉस में जाने की असली वजह बता दी है। दरअसल बिग बॉस 18 का आगाज हो चुका है और इसमें अनिरुद्ध आचार्य के जाने की काफी खबरें थीं और ऐसा हुआ भी, उन्हें एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया, लेकिन जब वो सलमान खान के साथ दिखाई दिए और सलमान खान के साथ एक फोटो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया, ये सब देखने के बाद उनके भक्त काफी नाराज दिखाई दिए। अब उन्होंने रियलिटी शो में जाने की वजह बताई है। बाबा का कहना है कि वो शो में सनातन धर्म के प्रचार के लिए गए थे, अगर वहां गीता का प्रचार हो गया तो जाना सार्थक है। आपको बता दें, अनिरुद्ध आचार्य पहले बता चुके हैं कि बिग बॉस के फॉर्मेट को पसंद नहीं करते। अब उनके वहां जाने पर कई सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी वायरल है, इसमें अनिरुद्ध आचार्य महाराज से पूछा गया कि बिग बॉस 18 में क्यों गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हम तो आपके पास हैं, हम तो गीता देने गए, जहां गए गीता का प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, कहीं जाने आने से अगर हमारा धर्म मजबूत होता है, वहां जाकर मैंने गीता दी, करोड़ों लोग गीता के बारे में जागरूक हुए, अगर मेरे जाने से भगवत गीता का प्रचार हो रहा है तो मेरा जाना सार्थक है। इसके अलावा YouTube पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक वीडियो भी अपलोड किया है और बताया है कि सिर्फ अच्छी अच्छी जगहों पर जाना ही काफी नहीं होता, हमने बिग बॉस में जाकर अपने धर्म का प्रचार ही किया है, लोगों को सही सीख देने की कोशिश की है, इसमें कोई बुराई नहीं है और हम एज अ कंटेस्टेंट वहां नहीं मौजूद थे, बल्कि हमें एज अ गेस्ट बुलाया गया था ताकि हम बिग बॉस के कंटेस्टेंट को आशीर्वाद दे सकें। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई है कि अनिरुद्ध आचार्य को पहले 50 लाख ऑफर किए गए थे, लेकिन बिग बॉस के मेकर्स से उनकी डील लगभग 125 करोड़ में हुई। इसके अलावा अनिरुद्ध आचार्य महाराज की लेटेस्ट वीडियो पर लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, राधे राधे गुरुजी, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, आप बिग बॉस में हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, आपका अपमान कर रहे हैं, सलमान खान देखा कैसे बोल रहे थे, आपको उसे तमीज नहीं है बात करने की, ये देखने में हमें बुरा लगा, गुरुजी आगे से अगर आपको कोई बुलाए तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, फालतू जगह आप जाते हैं, आप कहीं भी मत जाइएगा, आप सिर्फ अपना काम करिएगा, आप बिग बॉस में गए थे, हमारा दिमाग खराब हो गया, गुरुजी राधे राधे। मेगा यूजर ने लिखा, महाराज श्री आपने सही किया, सलमान के मुख से राधे राधे बुलवा के आपने उसका भी उद्धार किया। एक और यूजर ने लिखा, गुरुजी प्लीज आप बार बार माफी मत मांगिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक और यूजर ने लिखा, आपको बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए, वहाँ हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है और सलमान ने आपको डॉक्टर बोल रहा था, एक बार फिर गुरुजी महाराज जी नहीं बोला आपसे, लाखों लोगों को बहुत उम्मीद है, राधे राधे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल